नमस्ते एवरीबॉडी। पिछले सेशन में हमने सुग्रीव वाली का युद्ध देखा और राम जी का वाली को झाड़ियों के पीछे से वार करते हुए देखा और जिसे वाली की मृत्यु हुई। और वाली की मृत्यु होने से पहले वाली और राम जी में लंबा सा संवाद हुआ, जिसमें वाली पूछना चाह रहा था कि किस कारण से राम ने ऐसा किया, क्योंकि ये क्षत्रिय उचित नहीं था। एक क्षत्रिय के लिए पीछे से वार करना कोई सही कार्य नहीं है। तो और ना ही वाली ने कहा कि मुझे ऐसा कुछ याद है कि मैंने आपको बुरा किया था, तो आपने किस कारण मेरे से एक तो मुझे मारा और इस तरीके से मारा। सो व्हाट वर द रीजंस फॉर दैट, यू एक्सप्लेन, इट डजंट सीम राइट टू मी। सो देन वी सॉ कि राम जी ने बहुत सारे उसे एक्सप्लेनेशंस दिए, समझाया कि वाई इट वॉज द राइट थिंग टू डू। एक तो वाई वाली क्यों डिजर्व करता था मरना, उसने ऐसा कौन सा काम किया था जिसके कारण वो दंड के लायक था, और दूसरा क्यों इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आगे से या पीछे से मारने का कोई ज्यादा महत्व नहीं था, क्योंकि वो दंड था वाली के लिए। तो ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा तारा का विलाप, अंगद का विलाप। वो सारे बहुत दुखी थे कि वाली वाज गोइंग टू डाई, और वाली ने भी जाने से पहले कुछ कुछ चीजें निश्चित कर ली। वाली ने अपने पत्नी और अपने पुत्र के भविष्य को निश्चित कर दिया। तो हमने ये तो पिछली बार देखा था कि वाली ने कहा था सुग्रीव और राम जी से कि तारा बहुत ही बुद्धिशाली स्त्री है और तारा सूक्ष्म वस्तुओं को समझती है, तो इसलिए तारा का कभी अतिक्रमण मत करना। ये वाली ने सुग्रीव से कहा था, और राम जी से भी कहा था कि आप अंगद का, जैसे आप लक्ष्मण और सुग्रीव की चिंता करोगे, उनका ध्यान रखोगे, वैसे ही अंगद को भी आप अपने आश्रय में रखिएगा। वो वाली से भी कहते हैं कि अंगद को अपने पुत्र के जैसे रखना, और वो अंगद से भी कुछ कहते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा क्लिप पिछली बार रह गया था, सो आई विल गो टू दैट, वी विल रीड दैट एंड देन प्रोसीड। या तो दिस इज पेज नंबर 809, 22nd सर्ग। पेज नंबर 809, 22nd सर्ग, 20 20th श्लोक ना। तो 20th श्लोक में वो कह रहे हैं, वाली अंगद से कह रहे हैं, देश कालो भजस्व अद्य क्षम माण प्रिय अप्रिये, सुख दुख सह काले सुग्रीव वशगो भव, यथा हि त्वं महाबाहो लालितः सततं मया न तथा वर्तमानं त्वां सुग्रीवो बहु मन्यते, न अस्य अमित्रैः गतं गच्छेर्मा शत्रुभिः अरिन्दम, भर्तुरर्थपरो दान्तं सुग्रीव वशगो भव। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं अंगद से। सबसे पहले वो कहते हैं, देश कालो भजस्व अद्य क्षममाणा प्रिय अप्रिय। अंगद, तुम देश और काल को समझो। आज तक जो परिस्थिति थी वो अब आगे नहीं रहेगी। आज तक तुम बहुत लालन पालन में पड़े हो, पले हो। वो कहते हैं कि यथा ही त्वम महाबाहो सततम्मया, मेरे द्वारा तुम्हारा बहुत लालन पालन हुआ है अब तक, तुम बहुत सुख समृद्धि से रहे हो, बिना किसी डर के रहे हो, परंतु अभी परिस्थिति बदल गई है। अब मैं नहीं रहूंगा, अब तुम्हारे चाचा रहेंगे। अच्छा, और अब वो चाचा कौन है? चाचा वो है जिनके कारण मेरी मृत्यु हुई है, जिन्होंने मुझे मरवाया है। ठीक है, अच्छा, ही इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग इट, बट किसी भी पुत्र का गुस्सा होना इस बात पर बहुत ही जायज था। किसी भी पुत्र को लगता कि अरे ये क्या, मतलब ये तो मेरा शत्रु है, मेरा चाचा जो है ये मेरा शत्रु है, इसने मेरे पिता की मृत्यु करी है। तो अंगद के लिए ये भाव आना बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत प्राकृतिक है। इसीलिए वो उसे कह रहे हैं कि तुम देश काल को समझो। तुमको अगर गुस्सा आता भी है, तुम फ्रेंकली अभी कुछ कर नहीं पाओगे, बिकॉज वाली राजा बन जाएगा, सभी की लॉयल्टी वाली के साथ होगी। इसलिए तुम देश काल को समझो, बचकानी हरकतें मत करो, भले मैंने तुम्हें लालन पालन में कहा है, अब तुम वो करो जो तुम्हारे हित में हो। तो और तुम्हारे हित में क्या है? तुम्हारे हित में है कि तुम अभी अपने चाचा के विरुद्ध जाकर, न अस्य अमित्रैहि गतम्, इनसे तुम शत्रुता मत मोड़ो और इनके शत्रुओं के साथ भी मत मिलो। वो कह रहे हैं उसे।
कि उनके ऐसे मत करना, उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है, एक्सेप्ट द सिचुएशन। और सुग्रीव के भी तुम यू नो बी उनके साथ सही रह सको, इस तरीके से तुम रहो। क्योंकि वो ये भी कहता है ना कि सुग्रीव वो सुग्रीव से कहते हैं कि तुम अंगद को अपने पुत्र के जैसे पालना। और इसके पहले हनुमान और वो लोग भी अंगद को तो बहुत मानते हैं, अंगद बहुत पराक्रमी है, बहुत शक्तिशाली है और सबसे ज्येष्ठ पुत्र है, तो इसलिए वो जानता है कि ये सब हनुमान वगैरह जो है वो काफी मानते हैं अंगद को। इसलिए अगर अंगद बिना कुछ शत्रुता मोड़े ठान ले, अब मतलब शत्रुता ना ठान ले और सही से रहे, तो उसके बाद युवराज पद भी उसी उन्हीं का होगा। यार आप लोग को सब ठीक से दिखाई दे रहा है ना? आई गॉट सम वियर्ड मैसेज इसलिए। ओके एनीवेज, तो इसलिए वो उसे कहते हैं तुम देश काल को समझकर अभी सुग्रीव के वश में रहो, सुग्रीव के अनुसार वर्तो और उनके शत्रुओं के साथ मत मिला। बिकॉज होता कैसा है, इस परिस्थिति में और भी लोग होते हैं जो तैयार होते हैं कि कैसे इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करो, कैसे इस सिचुएशन में दोनों के बीच, सुग्रीव और अंगद के बीच और वैर बनाए, ऐसे करो, ऐसे भी लोग रहते हैं। दैट इज द डिप्लोमेसी एज वेल, राइट? कि बाकी जो कंट्रीज हैं, डिवाइड एंड रूल इज अ पॉलिसी। तो वो कह रहे हैं कि बी केयरफुल अबाउट दैट, इट इज नॉट इन योर हित, तुम्हारे हित में नहीं है, तुम्हारे हित में तुम फिलहाल सुग्रीव के वश में रहो। और ऑफ कोर्स उन्होंने सुग्रीव से भी कहा था कि तुम अंगद का ध्यान रखना, राम से भी कहा था कि आप अंगद और सुग्रीव दोनों का ही ध्यान रखना। तो नाउ ही नोस कि राम जो है वो सही करते हैं, ही इज अ मैन हु वर्क्स ऑन हिज प्रिंसिपल्स, हु इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, हु इज वेरी क्लियर कि कब दंड देना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, और जो अनडिजर्विंग है या रादर जो दंड के डिजर्विंग है वो उसको दंड भी देंगे। तो ये भी वो जानते हैं, और उनका पराक्रम तो वाली को पता ही था। तो ये भी वो जानते थे कि अगर अंगद को राम अपने आश्रय में लेंगे तो अंगद सेफ है, तो सुग्रीव भी उसका कुछ कर नहीं पाएगा, उसको ढंग से ही रखेगा। तो एनीवेज, तो ये उन्हें कहते हैं। एंड देन इवेंचुअली वाली की मृत्यु हो जाती है। तब भी हमने देखा था कि सुग्रीव को बहुत पश्चाताप होता है, वो कहते हैं कि अच्छा नहीं, आप मुझे भी मार दो, मैं भी अग्नि प्रवेश करूंगा, मैं जीवित रहने के लायक नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपने भाई को मरवा दिया। अब भाई को मरवा के और जो जो मेरी प्रजा है वो मेरा क्या ही रिस्पेक्ट करेंगी वगैरह वगैरह। सो वी ऑल्सो वी सॉ ऑल दैट विलाप हुआ देयर। और फिर राम जी ने समझाया कि देखो ऐसा है कि कुछ चीजें नियति पर छोड़नी चाहिए और नियति हमारे कर्म से संबंधित है, तो कर्म पिछले कर्म का जो फल है वो हमें भुगतना है और वो नियति द्वारा निश्चित है, उसको कुछ कर नहीं सकते। अभी की परिस्थिति ये है कि आप लोगों को उठना चाहिए और सबसे पहले एक व्यवहारिक काम करना चाहिए जो है वाली का अंतिम संस्कार, जो ढंग से अंतिम संस्कार एक राजा का होना चाहिए वो आप करना चाहिए। तो आप उस पर ध्यान दो, आप बिना वजह विलाप मत करो, जो होना था वो हो चुका और जो हुआ है वो सही हुआ है ये मानकर आप लोग आगे बढ़ो और अब वाली का आप अग्नि संस्कार करो। तो वैसा होता है, वाली का अग्नि संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार उसको अंतिम संस्कार उसका करते हैं। और फिर राम कहते हैं कि अब ऐसा है कि बहुत टाइम तक आपको सिंहासन खाली नहीं रखना चाहिए क्योंकि उससे अराजकता फैल जाती है। तो ये अराजकता की बात तो पहले भी कई बार हुई है रामायण में। तो एनीवेज, तो वो कहते हैं कि नहीं, अब आप सुग्रीव का अभिषेक कर दो और वाली को और सॉरी अंगद को आप युवराज बनाओ, ठीक है? अच्छा, अब इससे क्या हुआ कि ये जो दो भाइयों में जो वैर था वो नहीं तो और बढ़ते जाता। अगर अंगद को युवराज नहीं बनाते तो अंगद के अंदर जो गुस्सा है वो तो था ही ना, ठीक है? वो उसे कहा गया था कि भाई तुम माफ कर दो, तुम क्षमा कर दो, ये सब कहने के लिए ठीक है, पर जिस व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के पिता की मृत्यु हुई है उसको एक्सेप्ट करना, उसको माफ कर देना, क्षमा कर देना, ये कोई आसान कार्य तो है नहीं, है ना? तो इसलिए इस एक कार्य से, इस एक एडवाइस से राम जी ने ये निश्चित कर दिया कि दोनों एक साथ रहें। क्योंकि अब अंगद को ये तो विश्वास हो गया कि चलो भावना मेरे लिए बुरी नहीं है। इसलिए राम कहते हैं कि आप सुग्रीव को युवराज बनाओ और अंगद को युवराज बनाओ और सुग्रीव का आप अभिषेक कर दो राज्य। सो दैट हैपेंस एंड देन वी सी वहां से, देन वी गो टू पेज नंबर 820, षड्विंश 26 सर्ग।
पेज 820। हाँ, उसके पहले तो हनुमान कहते हैं कि ये सुग्रीव का अभिषेक होने वाला होता है, तो हनुमान कहते हैं कि अच्छा आप और लक्ष्मण चलिए, वो राम से कहते हैं कि आप और लक्ष्मण चलिए और आप उनका अभिषेक करवाइए। सॉरी, तो आप हमारे साथ किष्किंधा चलिए और आप उनका अभिषेक करवाइए। तो राम उनसे कहते हैं कि देखो मैं पुरी नहीं जा सकता, जो उन्होंने गूह को भी कहा था, जब वो श्रृंगवेरपुर में घूमने उन्हें कहा था कि नहीं आप मेरे राजधानी चलिए, आप मेरे नगर चलिए, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, 14 वर्ष में कहीं नहीं जा सकता। तो ही सेज द सेम थिंग हियर, पेज नंबर 820, आई टोल्ड यू, श्लोक नंबर 9। तो हनुमान से वो कहते हैं कि चतुर्दशः समा सौम्य ग्रामम वा यदि वा पुरम न प्रक्ष्यामि न प्रवेक्ष्यामि हनुमान पितुः निर्देश पालक। तो वो कहते हैं कि मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं यहाँ गुफा जो है, ये जो ऋषिमुख पर्वत है, प्रसवरण पर्वत पे जो गुफा है, मैं वहां रहूंगा। चतुर्दश समा, तो 14 वर्षों तक मैं न ग्राम ना कोई गांव, यदि वा पुरी, या ना गांव ना कोई पुर ना कोई सिटी, गांव में भी नहीं रह सकता, किसी नगर में भी नहीं रह सकता, मैं एंटर भी नहीं कर सकता, ना प्रवेश भी नहीं कर सकता, मेरे पिताजी का आदेश है ये, तो मैं यहीं रहूंगा। परंतु आप क्या करो, तो वो सुग्रीव से कहते हैं श्लोक 12, वृतज्ञो वृत संपन्नम उदार बल विक्रमम इमम अपि अंगदम वीरम यौराजे अभिषेचय। तो ये वृतज्ञ, एक तो आपको समझ है क्या सही है क्या गलत है, सुग्रीव जिसको आपको तो समझ है क्या सही है क्या गलत है, ये जो अंगद है ये भी बहुत समझदार है, बहुत बलशाली है, तो इसको आप युवराज पद पे उसका आप अभिषेक कर दीजिए। फिर वो कहते हैं ज्येष्ठस्य ही सुतो ज्येष्ठ सदृशो विक्रमेण च अंगदो अपि अंगदो अयम इदानी अंगदो अंगदो अयम दीनात्मा यौराजस्य भाजनम। तो वो कहते हैं कि ज्येष्ठस्य ही सुतो ज्येष्ठ, एक तो वो बड़ा भाई का सबसे बड़ा पुत्र है, और केवल उम्र में ही नहीं, केवल आयु में ही नहीं, ज्येष्ठ सदृशो विक्रमेण च, विक्रम में, पराक्रम में, बैलर में, ब्रेवरी में, करेज में, स्किल में, इस सब में भी वो ज्येष्ठ है। आप लोगों के दोनों भाइयों के जितने भी पुत्र हैं उन सब में वो इवन स्किल और कैपेबिलिटी के सामर्थ्य के दृष्टि से भी श्रेष्ठ है, तो आपका उसका युवराज पद पर अभिषेक करना बनता है। फिर वो कहते हैं 15वां श्लोक, न अयम उद्योग समय प्रविश त्वम पुरीम शुभाम अस्मिन, नहीं सॉरी, मैं 14वां श्लोक भी पढ़ती हूँ, दे आर कनेक्टेड, पूर्वो अयम वार्षिको मास श्रावण सलिल आगम प्रवृत्तो सौम्य चत्वारो मास वार्षिक संगिता नायम उद्योग समय प्रविश त्वम पुरी शुभाम अस्मिन वत्स्यामि अहम सौम्यम पर्वते सह लक्ष्मण। तो कहते हैं पूर्वो अयम वार्षिको मास श्रावण सलिल आगम, वो कहते हैं ये जो है ना, जो वर्षा ऋतु का मास है, श्रावण मास, सलिल मतलब पानी, पानी आने वाला, तो श्रावण मास का समय है, तो अब तक वो गर्मी, ग्रीष्म ऋतु का उन्होंने पहले वर्णन किया था जब वो किष्किंधा आ रहे थे, तो ये सब होते होते ग्रीष्म के बाद वर्षा काल आ गया है, श्रावण का महीने की शुरुआत हो गई है। तो कहते हैं कि श्रावण का महीना शुरू हो गया है, तो तुम अब क्या करो, अभी के लिए तुम अपने पुरी जाओ, तुम किष्किंधा पुरी जाओ, अपना काम करो, कितने मास के लिए, 4 महीनों के लिए, चतुर मास आप अपने पुरी जाओ, अपना काम करो, न अयम उद्योग समय, वो कहते हैं ये उद्योग का समय नहीं है, क्या उद्योग का समय नहीं है, कोई भी लड़ाई वड़ाई करने का ये समय नहीं है, क्योंकि वर्षा काल ऐसा था, तो अगर आप युद्ध नीति देखो, जो शास्त्र में जो ग्राउंड रूल्स रखे गए थे युद्ध के लिए, उसमें बहुत क्लियरली कहा गया है कि वर्षा की जो ऋतु है ना, तभी कोई भी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि एक तो क्या है कि फ्लडिंग की सिचुएशन होती है, जो सोइंग करना हो, काम में सब बिजी होते हैं, वो समय ऐसा है कि इट इज नॉट राइट फॉर अ वॉर, बारिश इतनी आती है, आप कैसे वॉर करो, तो इसलिए वो समय वॉज अ टाइम ऑफ शांति, वो 4 बरसात के महीने में कोई भी राजा युद्ध के लिए नहीं जाते थे, जो भी जो बिजनेसमैन थे, जो ट्रेडर्स थे, आर्टिजान थे,
जो बाहर के देशों में जाते थे, जो विदेश यात्रा करते थे, वो वर्षा ऋतु के समय वापस आ जाते थे। तो ऐसा वो एक सिस्टम था उस समय कि वर्षा के समय सब अपने अपने घर पे रहेंगे, जो अपना घर का काम करना हो वो करेंगे, बट ऐसा कोई जो वॉर रिलेटेड मैटर हो वो उस काम की शुरुआत नहीं करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अभी उद्योग का समय नहीं है। किस उद्योग का समय नहीं है? राम जी का हेतु क्या था? राम जी का हेतु ये था कि सीता का अन्वेषण करे, सीता को ढूंढे, है ना। इस हेतु से उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हुई थी, और मित्रता में ये था कि पहले वाली वाली को दंड मिले और सुग्रीव को उसका राज्य और उनकी पत्नी प्राप्त हो, उसके पश्चात सीता जी को ढूंढने का काम करे। बट अब तक श्रावण क्योंकि आ गया है, तो राम कह रहे हैं कि वो उद्योग जो हमें करना था रावण और सीता को ढूंढने का, वो अभी हम नहीं करेंगे। 4 महीने जरा नदी साफ हो जाए, आकाश बादल साफ हो जाए, उसके पश्चात हम करेंगे। तो अभी ये 4 महीने वो तुम घर पर जाओ, अपने पुरी में जाओ, और मैं इस गुहा में वास करूंगा, ठीक है। फिर 17वें श्लोक में वो कहते हैं, कार्तिके समनुप्राप्ते त्वम रावण वधे यत एष न समय सौम्यम प्रविश त्वम स्वमालयम अभिषिंचस्व राज्ये च सुहृद सम प्रहर्ष। तो कहते हैं कार्तिक समानुप्राप्त, जब कार्तिक मास आएगा तब हम रावण वध के बारे में सोचने के लिए उद्यत होंगे, ठीक है। तो जैसे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ अषाढ़ श्रावण अश्विन श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक, तो 3 महीने, और जब चौथा महीना शुरू होगा तब हम प्रयत्न करेंगे, तब हम रावण वध के लिए उद्यत होंगे। अभी का जो ये श्रावण से कार्तिक के बीच का ये जो 3 महीने है, और उसके बाद हम शुरू करेंगे, बट ये जो टाइम है, जो वर्षा का समय है, इसमें तुम अपने पुरी जाओ, अपना अभिषेक करवाओ, युवराज पद पर अंगद को बिठाओ, अपना जो कार्य करना है करो, फिर कार्तिक मास में देखेंगे, तब तक हम यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बात होती है, और ये जैसा वो चाहते हैं वैसा होता है। सब कहते हैं बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही। सुग्रीव का अभिषेक होता है, अंगद का राजा के तौर पे सुग्रीव का अभिषेक होता है, अंगद का युवराज पद पर अभिषेक होता है, और सुग्रीव बहुत प्यार से बहुत अच्छे से अपना शासन संभालता है। अच्छा, अब होता ये है कि जब सुग्रीव राजा बन जाता है, तो राम और लक्ष्मण तो अभी भी वो जो गुहा गुफा में रह रहे हैं। तो तब बहुत बारिश का मौसम है, और बारिश का मौसम है तो वो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आती है, झरने बहते हैं, नदी बहती है, कुछ कुछ फूल खिलते हैं, हवाएं चलती है, तो ये सब होता है। तो इस सब से राम को फिर एक बार सीता की का स्मरण होता है, तो वो फिर सीता को स्मरण करके उदास हो जाते हैं। सो इफ यू सी द सप्तविंश 27th श्लोक, तो उसमें बहुत फिर एक बार राम का सीता के लिए, सीता को स्मरण करने के लिए जो विलाप है, जो उनका मिसिंग है, वो फिर एक बार हमें दिखता है। तो यू कैन रीड दैट चैप्टर, बहुत सुंदर सा है, वेर ही अगेन सेइंग अरे सीता होती तो ऐसा होता वगैरह वगैरह, कि कहाँ गई होगी। फिर उनको सीता की याद आती है, तो फिर एक बार लक्ष्मण कहते हैं कि अरे ये कोई उदास होने का समय नहीं है, आप उदास मत होइए, आप कार्य पे ध्यान दीजिए, हम निश्चित ही सीता को छुड़ा लाएंगे। तो देन श्लोक 30 से वहां पे लक्ष्मण की बात है कि तो श्लोक 34 इन दैट पेज नंबर 824, ही सेज अलम वीर व्यथा गत्वा न त्वम शोचितुम अर्हसि शोचितो ही अवसीदंती सर्वथा विदितम ही। तो अलम वीर व्यथा, तो लक्ष्मण सेज कि अरे आप इतनी व्यथा मत करो, बस करो आपकी व्यथा बस, आपका ये जो दुख है, आपका जो व्यथा इज वेस्ट, ठीक है। शोचितुम अर्हसि, शोच जो आप इतने आप दुख कर रहे हो, इतना आप विलाप कर रहे हो, ये बस हो गया, आप भी जानते हो ये व्यथा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो अलम शोची तुम्हारे सी, बस करो अभी आप, मत हो गया, इनफ ऑफ योर, मतलब द टोन डजंट साउंड राइट, बट ही बेसिकली सेइंग कि आप अब और व्यथा, आप और विलाप मत करो, और इस पे आप रुदन मत करो, क्योंकि ये व्यथा है, और ये आप भी जानते हो, हमारे जैसों के लिए कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सीता को ढूंढने के लिए हमें किस तरीके से उद्यत होना है, इसके विषय में आप सोचो, ठीक है।
तो और वो कहता है कि शरद काल, शरद ऋतु आएगी कार्तिक के बाद, जब शरद ऋतु आएगी, जब फिर एक बार बारिश आना बंद हो जाएगी और वापस काम शुरू होगा, तब हम उस तब तक हम प्रतीक्षा करते हैं, तब तक सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं, और फिर आगे बढ़। अच्छा, फिर क्या होता है, वर्षा ऋतु समाप्त होती है, शरद ऋतु का आगमन होता है, तो कार्तिक मास आ गया है, जो हवा में जो आ, 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 गुरु, एक सेकेंड ना, चैप्टर 29। हाँ, तो वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, शरद ऋतु का की शुरुआत होने वाली है, ठीक है, तो ये समय है कार्तिक की शुरुआत हो गई है, तो बेसिकली अब राम जी को ये है कि कुछ ना कुछ सुग्रीव की ओर से कोई ना कोई मैसेंजर आएगा, सुग्रीव आएगा, कुछ तो कहेगा हमें कि भाई अब काम आगे शुरू करना है, क्योंकि वर्षा का ऋतु खत्म हो गया, खत्म होने आया है, पर अपने सुग्रीव जो है वो तो अभी मस्ती में है, इतने वर्ष वो अपने राज्य से निष्कासित थे, वो दर दर भटक रहे थे, डर के मारे रह रहा था, उनको यही था कि भाई मुझे कब ना कब वाली मार देगा, अपनी पत्नी से वो बिछुड़ गए थे, तो ये सब हुआ था, ठीक है, तो अब इतने वर्षों बाद वो फिर अपने पुरी गए थे, फिर वो राजा बने थे, फिर अपनी पत्नी से मिले थे, फिर वो ऐशो आराम में आए थे, है ना, जो अभी दर दर भटकने की बजाय अब उनका महल था, उनकी उनका नगर था, इतने सारे सेवक थे, तो वर्षा चली जाती है, शरद भी आ जाती है, पर सुग्रीव तो अभी ऐशो आराम में ही है, ठीक है, ही इज कंप्लीटली गिवन इन टू लस्ट, जो उनकी स्त्रियां हैं, जो पत्नियां हैं, उन सबके साथ वो क्रीड़ा करने में मस्त है, खाने पीने में मस्त है, एकदम मद मस्त कहा है उनके, ही इज कंप्लीटली इंटॉक्सिकेटेड, जो जो नगर का ध्यान रखना है वो भी वो नहीं रख रहा है, ठीक है, तो इस सब से हनुमान को बहुत चिंता होती है कि ये चल क्या रहा है, और वो ये भी देखते हैं कि अरे अब बादल साफ हो गए हैं, बारिश भी नहीं है, काले बादल चले गए, तो ये समय है राम जी की बात सत्य करने का, राम जी को वचन सुग्रीव ने दिया था वो करने का समय आ गया है, तो वो सुग्रीव को बता बोलते हैं, एज अ गुड मिनिस्टर वो सुग्रीव को बोलते हैं कि भाई आप देखो, आप सही समय आ गया, आप कुछ करो इस बारे में, ठीक है, सो दिस इज 29th सर्ग, पेज नंबर 831, 832, तो उसमें श्लोक 1-7 जो है, दैट इज व्हाट इट इज, सो समीक्षा विमलम व्योमम गत विद्युत बलाहकम सारसा कुल संघुष्टम रम्य ज्योत्सना अनुलेपनम समृद्धार्थे च सुग्रीवम मंद धर्मार्थ संग्रहम अत्यर्थम चास्ता चा असताम मार्गम एकांत गत मानसम निवृत्त कार्य सिद्धार्थ सिद्धार्थम प्रमदाभिरतम सदा, निवृत्त कार्य सिद्धार्थम प्रमदा अभिरतम सदा, तो वो अपना काम काज सब छोड़ दिया उसने और वो प्रमाद में है, मस्ती में है पूरे टाइम सुग्रीव, स्वाम च पत्नीम अभिप्रेताम ताराम चापि समीपसितम विहिरंतम अहोरात्रम कृतार्थम विगत ज्वरम, एक तो उसे अपनी पत्नी की प्राप्ति हो गई थी, रूमा से वो बिछुड़ गए थे तो उसको अपनी पत्नी की प्राप्ति हो गई थी, अब उसे तारा की प्राप्त हो गई थी, तो कदाचित उनके ट्राइब में ऐसे था कि अगर बड़े भाई की पत्नी विधवा हो जाए तो अगर दोनों की सम्मति हो तो छोटे भाई का उसके साथ विवाह हो सकता है, ठीक है, आई थिंक अभी भी आप अगर कुछ कुछ कम्युनिटीज में जाओ तो ऐसा होता है कि अगर बड़े भाई की पत्नी विधवा हो जाए तो छोटे भाई के साथ उसकी शादी होती है, अदर वे राउंड डजंट वर्क, छोटे भाई की पत्नी का बड़े भाई के साथ नहीं होता बट बड़े भाई का होता है, और उसका कारण ये भी है कि पहली बात तो फैमिली के फैमिली में वो जो स्त्री और उसके बच्चे हैं वो संभल जाते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी डिविजन वगैरह बहुत आसान हो जाता है ना, अगर वो एकदम अलग हो जाए तो बंटवारा हो जाएगा, तो दिस स्टॉप्स बंटवारा, क्योंकि अभी यू हैव द सेम फादर स्टेप फादर, एटलीस्ट वो तो है, और उनका ध्यान भी, सो इट सेव्स बोथ वे, मटेरियली आल्सो इट हेल्प्स एंड आल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द स्त्री एंड द बच्चा इट इज टेकन केयर ऑफ, सो दैट वॉज द आइडिया, तो अभी उनको रूमा तो प्राप्त हुई थी, साथ ही साथ सुंदर गुणी तारा भी प्राप्त हुई थी, और भी बहुत सारी उसकी पत्नियां थी, तो उसने क्या किया था, विहिरंतम अहोरात्र, अहो अह मतलब दिन और रात्र मतलब रात, विहिरंतम दिन रात वो मस्ती में थे, विहार करने में थे, क्रीड़ा करने में थे, अपने पत्नियों के साथ अकेले में वो मस्त मदमस्त रहते थे, ठीक है,
क्रीडन्तम् इव देवेशं गंधर्व अप्सराम गणैः मंत्रीषु न्यस्त कार्यं च मंत्रीणाम अनवेक्षकम्। वो तो अपने मदमस्ती में थे और क्या किया था, मंत्रीषु न्यस्त कार्यम, जो राज्य का कारभार था वो उन्होंने अपने मंत्रियों पे छोड़ दिया था, और मंत्रियों को भी मंत्रीणाम अनवेक्षकम्, और मंत्रियों को पर भी वो ध्यान नहीं देते थे, उनको जो करना है करो, इतने वो मदमस्त हो गए थे तीनों। तो इससे हनुमान जो थे वो थोड़े से चिंतित हो गए, और उन्होंने कहा कि उन्होंने सुग्रीव को जाकर कुछ बताया, तो उन्होंने क्या बताया, श्लोक नंबर 9 and 10। तो राज्य प्राप्तम यशश्चैव कौली श्री अभिवर्धिता मित्राणाम संग्रह शेष तद भवान कर्तुमर्हति। संग्रह शेष तद भवान कर्तुमर्हति। वो कहते हैं कि आपको राज्य की प्राप्ति हो गई है, आपको यश की प्राप्ति हो गई है, जो आपकी कुल की श्री थी, आपकी जो ट्रेडिशनल वेल्थ थी, जो एंसेस्ट्रल वेल्थ, जो किष्किंधा नगरी थी, जो राज्य है वो आपको प्राप्त हो गया है। अब क्या टाइम है, मित्राणाम संग्रह शेष, जो मित्रों के लिए आपका करने का कार्य है वो अभी भी शेष है, जो आपके मित्र थे जो राम जी के बारे में कह रहे हैं कि उनके लिए आपका जो काम करने का था वो अभी भी शेष है। तो तद भवान कर्तुम अर्हति, आप भगवान मतलब मिस्टर सर जेंटलमैन जो हम आप कहते हैं, तो द वे ऑफ सेइंग आप इन संस्कृत इज टू से वो त्वम नहीं कहते, वो भगवान कहते, ठीक है, भगवान और भवती, तो वो कहते हैं कि आप भगवान, अब आप उस काम के लिए जो शेष रह गया है, आपके मित्र का काम जो शेष रह गया उस काम के लिए उद्यत होइए। यो ही मित्रेषु कालज्ञः सततम् साधु वर्तते तस्य राज्यं च कीर्तिं च प्रतापश्च अपि वर्धते यस्य कोशः दण्डः मित्राणि आत्मा च भूमिप समान्य समान्यतानि सर्वाणि स राज्यं महत् अश्नुते। तो वो कहते हैं कि ऐसा पुरुष जो हमेशा समय समझ कर, जो समय को जानता हो और सतत अपने मित्रों के साथ सही से बर्ताव करता हो, करने लायक जो काम करता हो उसकी हमेशा वृद्धि होती है, और ऐसा राजा जिसके पास मित्र है, कोष है, अ फुल ट्रेजरी, कोष है, दंड आर्मी अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम जिसकी अच्छी है, जिसका फाइनेंशियल ट्रेजरी अच्छी है, जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एकम्प्लाइसेस है, रिलेशंस अच्छे हैं, जिसे मेंटेन करने भी आते हैं, बेसिकली फॉरेन रिलेशंस इफ यू मे से, ठीक है। सो ट्रेजरी, आर्मी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, आर्मी और खुद का कंट्रोल ओवर सेल्फ, आत्मा, सेल्फ इंडिपेंडेंस है, ही इज नॉट अंडर प्रेशर टू डू एनीथिंग, उसकी खुद की आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र होना मतलब ही इज फ्री टू डिसाइड द वे ही चूजेस इज राइट। ऐसा जो राजा है उसकी हमेशा वृद्धि होती है, और उसका राज्य महद अश्नुते, उसी को, उसी के राज्य को ग्रेट कहा जाता है, ठीक है, तो ये उसे कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि बेसिकली वो फिर वो श्लोक 13 में कहते हैं संतज्य सर्व कर्माणि मित्यार्थ मित्रार्थे यो न वर्तते संभ्रमाद विकृतोत्साह सो अर्थेन अवरुध्यते। परंतु उसके उल्टा जो अपने मित्रों को कही हुई बात नहीं करता, मित्रों से सही रिलेशन नहीं रखता, उसका आगे कंफ्यूजन ही होता है, उसका आगे विनाश होता है, ऐसा वो कह रहे हैं कि उसकी वृद्धि नहीं होती, ठीक है। फिर वो 15वें श्लोक में उन्हें याद दिलाते हैं कि तद इतम मित्र कार्यम न कालातीतम अरिंदम क्रियताम राघवस्य एतद् वैदया परिमार्गणम। परिमार्गणम मतलब ढूंढना। तो इसे इसकी आप अब जो आपका जो मित्र राम है उनका जो कार्य है वो समय जाने से पहले काल आती तक, समय बहुत लेट हो जाए, बहुत देर हो जाए, उसके पहले आपको जो ये जो वैदेही सीता को ढूंढने का जो काम करना है वो आप शुरू कर दीजिए, नहीं तो बहुत बहुत लेट हो जाएगा, तो आप ऐसा मत करो। और बेसिकली वो उसे समझाते हैं कि और मतलब राघव राम ने आपका इतना अच्छा किया है तो आपका अब सही टाइम है कि आप ये करो, और वो आपको कहे उसका इंतजार मत करो, क्योंकि जब वो कहेंगे तब तो बहुत लेट हो जाएगा, वो उनको आपको कहना पड़ेगी, परिस्थिति नहीं आनी चाहिए, आप स्वयं इस काम में लग जाओ। तो सुग्रीव को समझ तो आता है, तो इसे हाँ ये बात तो सही है पर अकेले तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो क्या कहते हैं कि
वो नील को बुलाते हैं, नील उनका एक दूसरा वानर है, उनका सचिव है, उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि भारत भर में हिमालय से लेके विंध्याचल से लेके साउथ से लेके वनों से लेके हर जगह जितने भी वानर हैं उन सबको बुला रहा हूँ, ठीक है। तो वो किनको किनको बुलाने कहते हैं, जो लंगूर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो लंगूर हुआ रिजाइडिंग इन द हिमालयाज, विंध्याचल में जो कुछ लाल अंगूर है, लंगूर है उनको, जो रीच है, जामवन जो हम कहते हैं, ही वॉज अ रीच, जिसे हम बियर फ्रोटू से कहते हैं, बट दैट काइंड ऑफ ट्राइब, सो देर आर डिफरेंट ट्राइब्स विच ही नोज, वो उन सबको बुलाते हैं। तो वो नील से कहते हैं कि तुम हर जगह जाओ, सबको बुलाओ और उन सबको कहो कि मैंने बुलाया है, मुझे यहाँ पर वो 15 दिन के अंदर अंदर चाहिए, विदिन 15 डेज दे हैव टू कम हियर, अगर वो 15 दिन में नहीं आते हैं तो उनको मृत्यु दंड मिलेगा, इसलिए उन सबसे कहो कि 15 दिन के अंदर यहाँ पर आना है, तो यहाँ वो आ जाएंगे, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो हनुमान और नील को लगता है हाँ ये बात सही है, और नील चला जाता है सबको बुलाने। अच्छा, अब सुग्रीव क्या करते हैं, सुग्रीव को लगता है ठीक है मेरा काम हो गया, तो फिर अपने अंतःपुर में चले जाते हैं, फिर अपने भवन में चले जाते हैं और फिर वही क्रीड़ा मस्ती मल में लग जाते हैं, ठीक है। हनुमान ने कहा तो उनको लगा तो सही कि ये बात सही है, बट ही स्टिल नॉट कम्प्लीटली सैटिस्फाइड, ही स्टिल इन टू हिज लस्ट, अभी भी वो काम से काम में बहुत ज्यादा आ सकते हैं। तो वो राम जी को तो कुछ नहीं बताते, उनसे मिलने करने नहीं जाते, पर ये काम शुरू कर देते हैं, एंड ही गोज बैक टू हिज पैलेस एंड बिकम्स बिजी इन हैविंग फन या इन हिज रेव पार्टीज। अच्छा, अब यहाँ क्या होता है, राम और लक्ष्मण तो नहीं जानते कि हनुमान ने क्या सलाह दी है और सुग्रीव ने क्या कार्य शुरू कर दिया है। सॉरी, गला सूख रहा मेरा। तो यहाँ पे शरद ऋतु आती है। अच्छा, अब शरद ऋतु आने से प्रकृति में और भी बदलाव आता है, तो और प्रकृति सुंदर हो गई है, पानी और साफ हो गया है, क्योंकि बारिश के समय तो नदियां आप देखो तो उसमें सिल्ट होता है, मड होता है, तो मिट्टी हो जाती है, तो वो सब अब साफ होने लगा है, बादल साफ होने लगे हैं, तो ये सब जब और वातावरण अच्छा हो गया है, तो फिर राम को सीता की याद आती है, ठीक है। इस बार तो वो हर चीज को देखते हैं और उसमें उनको सीता की याद आती है, वो कोई पक्षी पक्षिणी को देखेंगे, पक्षी का की प्रतीक्षा करते हुए देखकर तो ही उनको लगेगा अरे सीता होती तो ऐसा होता, सीता ऐसे करती, सीता इतने प्यार से मुझे उठाती, उसके तो आवाजों में ही पक्षी की वाणी जैसे हो, उसके हर अंग इतने सुंदर है, तो इतनी सुंदर जो सीता है वो मुझे इस तरीके से उठाती, और अब सीता कहीं नहीं है, अगर सीता यहाँ होती तो ये खिलता हुआ फूल देखकर मुझे याद करती और मुझे कहती कि नहीं नहीं आप चलो मेरे साथ देखो, परंतु अब वो किस पर अब जब वो मुझे नहीं देखेगी तो उसकी क्या हालत होती होगी। तो ऐसे वो फिर एक बार इसमें जाते हैं कि सीता कैसी होगी, कहाँ होगी, क्या होगी, यहाँ होती तो ऐसे होता, वहां होती तो ऐसे होता, ही अगेन गोज इन टू दैट मोड, एंड दे आर वेरी ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन, एंड ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो इससे हमको राम का सीता के लिए जो प्रेम है वो दिखता है, कितने डेप्थ से वो सीता को मिस कर रहे थे। अच्छा, आपको याद है हमने एकदम जब शुरुआत रामायण की करी थी तब हमने देखा था कि वाल्मीकि जी ने जब रामायण के श्लोक रामायण लिखना शुरू किया वो किस परिस्थिति में किया, एक तो नारद जी ने उनको आके बताया था कि आपको वाल्मीकि जी ने नारद जी को पूछा था कि ऐसे एकदम परफेक्ट पुरुष कौन है जिसमें ये सारे सारे गुण है, और नारद जी ने उनको सारी कहानियां बता थोड़ी सी कहानी बता दी राम जी के बारे में, और कहा था कि आप राम जी के कि ये जो ऐसे राजा है जो परफेक्ट पुरुष जो आप कह रहे हो वो तो जो अः अयोध्या के राजा राम है। अच्छा, तो ये बात उनके दिमाग में है, तब वो तमसा नदी पर नहाने जाते हैं, और तमसा नदी पर जब नहाने जाते हैं तब वो दो पक्षियों को देखते हैं एक पेड़ पर जो प्रेम में है, दो पक्षियों जो प्रेम में है, तभी एक व्याध आता है, एक हंटर आता है, एक शिकारी आता है, और वो बाण से एक पक्षी को गिरा देता है, और वो एक पक्षी मर जाता है, उसके कारण जो जो पक्षिणी वहां बचती है वो बहुत ही दुख में है, बहुत विलाप कर रही है, और उनका ये दुख देखकर, क्योंकि ये पक्षियों ने तो उस व्याध को कुछ नहीं किया था, उस शिकार को कुछ नहीं किया था, वो तो अपने प्रेम में अपने क्रीड़ा में मस्त थे, और इस परिस्थिति में उन दोनों को जुदा कर दिया गया इस व्याध से, तो इसलिए उन्होंने उनके मन से तब व्याध के लिए क्रोध उत्पन्न होता है, पर जो क्रोध उत्पन्न होता है वो श्लोक फॉर्म में होता है, अनुष्टुप छंद में होता है, और उससे उनको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, और वो रामायण की और ब्रह्मा जी से फिर उनको
निर्देश मिलता है कि आप जो कह रहे हो वो एक्चुअली श्लोक है, और आप इससे रामायण जो राम ये जो राजा है उनका इतिहास आप लिखिए। ठीक है, तो वो जो इंटेंस दुख, वो चक्रवा, वो जो पक्षियों के अलग होने का जो बताया गया है, और वो दुख जो वाल्मीकि जी के अंत को इतना, इनके मन को इतना लगा है, वो इंटेंसिटी जो है ना, वो क्यों इतनी इंटेंसिटी है, वो हमें इनसे पता चलती है, जो राम का विलाप है सीता के लिए, कि वो कितना, कितने डेप्थ से सीता को मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वो हर चीज देखते हैं, कि जैसे आई टेक वन और टू एग्जाम्पल्स, या श्लोक नंबर 8, 7, 8, एक्चुअली बहुत सारे श्लोक हैं, बट आई टेक 8। पुष्पितांश्चार आसनान दृष्टा कांचनान इव निर्मलान, कथम सा रमते बाला पश्यंती माम अपश्यति। कि पहले तो वो इन फूलों को देखती, ये जो पुष्प अलग अलग फूल है, ये झाड़ के फूल है, ये जो कांचना जो जो आ, आ, जो कांचन जैसे लग रहे हैं, जो गोल्ड जैसे लग रहे हैं, सोने जैसे लग रहे हैं, इन सबको देख के वो देखती, हंसती, खुश होती, हमेशा बार बार उन्हें देखती, पर और मुझे कहती आकर, पर अब मुझे देखे बिना उसकी हालत क्या होगी, अब जब वो मुझे नहीं देखती होगी तो वो क्या देखती होगी, कैसी उसकी हालत होगी। या पुरा कल हंसा नाम कलेन कल भाषिणी बुध्यते चारु सर्वांगी स अद्य मे रमते कथम। या पुरा, पहले कल हंसा नाम कलेन कल भाषिणी, कि ये जो हंस जैसी वाणी, उनकी आवाजों में जिसकी वो कल कल भाषिणी जो थी, जो ऐसे बहुत प्यार से थी, क्या और कैसी थी, चारु सर्वांगी, बहुत ही सुंदर, ये जो मेरी पत्नी है जिसकी इतनी अच्छी वाणी थी, इतनी सुंदर थी, बुध्यते चारु सर्वांगी, बुध्यते मतलब मुझे वो उठाती थी सुबह अपने वो कलरव वाले, हम कहते हैं ना कलरव, पक्षियों का कलरव, तो कलभाषिणी, वो जो कल 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 जो सुंदर आवाज जो कहते हैं, तो वैसी उसकी जो आवाज थी उस वाणी में, उस आवाज में वो मुझे उठाती थी, बुध्यते उठाती थी सुबह को। पर अब उसका मन कहाँ रमता होगा जब मैं उसके पास नहीं हूं। तो ऐसे करके बहुत सारे श्लोक हैं, जब वो फिर एक बार पक्षियों को देख के, नदी को देख के, फूल को देख के, सीता को फिर एक बार बहुत याद करते हैं। फिर एक बार लक्ष्मण उनको संभालते हैं, तो फिर एक बार लक्ष्मण कहते हैं कि अरे आप ऐसे मत करो, आप मन को दृढ़ रखो, ठीक है, हम लेकर आएंगे सीता को, आप निश्चिंत रहे, वो आपकी पत्नी है, उसे कुछ नहीं हो सकता, तो उसे वो धाड़स बंधाते हैं। बट देर इज वन श्लोक विच आई वांट टू से, बिकॉज मुझे वो काफी इंटरेस्टिंग लगा। किम आर्यम कामस्य वंशगत वंश सॉरी दिस इज श्लोक नंबर 16 पेज नंबर 836 30th सर्ग श्लोक नंबर 16 पेज नंबर 836। किम आर्यम कामस्य वंशगतेन किम आत्मा पौरुषम पराभवेन अयम रिया सहिरियते समाधि किमत्र योगेन निर्वतते न। तो ये जो लास्ट लाइन है ना, किमत्र योगेन निर्वतते न, इसके लिए मैंने ये कहा है। देन ही सेज क्रिया भी योगम मनसः प्रसादम समाधि योगानुगतम च कालम सहाय सामर्थ्यम दीनम दीनम सत्वम स्वकर्म हेतु च कुरुष्वम तात। तो कहते हैं कि ऐसे हे आर्य, तुम क्यों इतने उदास हो, क्यों ऐसे इतने काम में आकर, इतने दुख में आकर ऐसे विलाप क्यों कर रहे हो, आप ऐसे मत करो, आप क्या करो, आप ऐसा इंस्टेड आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि योग का सहारा लेकर आप मन को स्वच्छ कीजिए, अपने योग का सहारा लेकर। फिर वो समाधि योग की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि योग का सहारा लेको, मन प्रसाद, मन को साफ करिए, योग चित्त वृत्ति निरोध, ये पतंजलि कहते हैं कि योग क्या है, योग चित्त, चित्त मतलब मन, वृत्ति निरोध, जो ऐसी तैसे विचार हैं जो हमें आते रहते हैं उनका निरोध करना, उनको निकाल देना, उनको बंद करना, कम कम करते जाना, ये योग है, मन को साफ करना। एग्जैक्टली यही बात लक्ष्मण कह रहे हैं योग का नाम लेकर। मतलब आप देखो, हमारे जो सारे प्राचीन प्रैक्टिसेस है, दर्शन है, वो कब से चले आ रहे हैं, रामायण में वो योग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आप योग का सहारा लीजिए, अपने मन को प्रसन्न कीजिए, मन को साफ कीजिए, ऐसे उल्टे सुलटे ख्याल मत लाइए, और जो करना चाहिए स्वकर्म हेतु च कुरुष्वतात, अपने काम के लिए क्या करना चाहिए, किसका सहारा लेना चाहिए, कितना सामर्थ्य चाहिए, इस बारे में आप विचार करो। बी प्रैक्टिकल, थिंक अबाउट व्हाट यू मस्ट बी डूइंग रादर देन क्राइंग एंड मिसिंग एंड ऑल दैट। काम के बारे में सोचो, पुट एन एक्शन प्लान टुगेदर, ठीक है।
तो ये वो कह रहे हैं, फिर एक बार फिर वो उनसे उनको याद आता है कि याद, खैर उनको याद तो होता ही है, बट देन व्हेन लक्ष्मण सेज कि जो करना चाहिए वो करो, ठीक है, तब राम इज लाइक हाँ ये बात तो सही है, पर और करना क्या चाहिए, वी हैव बीन वेटिंग फॉर सुग्रीव टू कम बैक टू अस, अब तो शरद ऋतु भी आ गई है बट सुग्रीव का कोई अता पता है नहीं, ठीक है। तो अब राम को थोड़ा गुस्सा भी आने लगता है कि अरे ये क्या है, मतलब जिस पुरुष के लिए जिनके लिए हम लोग ने जो करना चाहिए था वो करा, अब वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, सो दिस इज नॉट राइट, सो नाउ ही इज एंग्री, ठीक है, ही इज एंग्री, रादर ही वांट्स टू कन्वे दैट मैसेज टू सुग्रीव। तो वो क्या कहते हैं श्लोक नंबर 67-68, श्लोक पेज नंबर 839, सेम सर्ग, 30th सर्ग। अनाथो हृतराज्योऽहं रावणेन च धर्षितः दीनो दुर्ग्रहकामी मां चैव शरणं गत इति एतैः कारणैः सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः अहं वानराजस्य परिभूतो अहं वानराजस्य परिभूतः परन्तपः। इसे कदाचित सुग्रीव भूल गए, सुग्रीव को लग रहा है कि ही विल गेट अवे विदाउट हेल्पिंग अस, जो उन्होंने कहा है वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि अरे ये जो राम है ये तो अनाथ है, उनके पिताजी ने उनको अपने घर से निकाल दिया, उनका राज्य छीन लिया है, रावण ने उनको दगा दिया है, रावण ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया है, और ये तो दीन दुखिया रहा है, ये तो मुझे क्या ही करेंगे, कदाचित ऐसा सोच रहा है सुग्रीव। और ऐसे सोचने के कारण जो काम हमारा करना चाहिए था सुग्रीव ने वो नहीं कर रहा है, परंतु वो ये गलत सोच रहा है, क्यों, क्योंकि ही सेज अहम वानर राजस्य परिभूतः परंतप, मैं वानर राज को परिभूत करने में बहुत ही सक्षम हूँ, ठीक है। तो फिर वो कह रहे हैं, फिर 70 श्लोक में ही टेल्स लक्ष्मण, स किष्किंधा प्रविश्य त्वं ब्रूहि वानर पुंगवम मूर्खम ग्राम्यम सुखे सक्तम सुग्रीवम वचनात्मम। वो कहते हैं हे लक्ष्मण तुम किष्किंधा जाओ, किष्किंधा जाओ और वानर को क्या कहो, उसे कहो मूर्खम ग्राम्य सुखी सक्तम, हे मूर्ख तू ये जो काम ग्राम्य सुखी, जो तेरे कामना वश इंद्रियों के सुख में इतना अलिप्त हो गया, इतना आसक्त हो गया है कि तूने जो मुझे वचन दिया था वो भी तुझे याद नहीं है, तू उससे मुकर रहा है। अर्थी नाम उपपन्ना पूर्वे चापि उपकारिणम आशाम संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमम शुभम वा यदि वा यदि वा पापम यो हि वाक्यम उदरितम सत्येन प्रहिग्रहणाति सह वीर पुरुषोत्तम। तो बेसिकली कह रहे हैं कि ऐसा पुरुष जो पहले कुछ कह के, एक तो ऐसा पुरुष जिसने स्वयं फायदा ले लिया, पर जिसने फायदा दिया उसका जब काम करना हो तब वो मुकर जाए, एक तो वैसा पुरुष, और दूसरा ये कहकर कि मैं सहायता करूंगा और जो ना करे, ऐसा एक तो कृतघ्न पुरुष और एक असत्यवादी पुरुष, ऐसे तो सबसे क्रूर होते हैं, और ऐसे ऐसे पुरुष को तो क्रूर ही कहा जाता है, और वो आगे जाके कहते हैं कि ऐसे तो जो पुरुष है उनका वध भी होना चाहिए। तो तुम ये जो कह कर रहे हो ये बहुत ही अकृतघ्न, ये बहुत ही कृतघ्न काम है, कृतज्ञ नहीं, कृतघ्न काम है ये, तो तुम जो कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे हो, तो तुम ये समझो तुम मुकर रहे हो, हमने तुम्हारे लिए जो करना था किया, पर तुम अब ये नहीं कर रहे हो, मेरी बात से मुकर रहे हो। फिर भी से नूनम कांचन पृष्ठस्य, श्लोक 74, नूनम कांचन पृष्ठस्य विकृष्टस्य मया रणे द्रष्टुम इच्छसि चापि अस्य रूपम विद्युत गणोपमम घोरम जातल निर्घोषम क्रुधस्य मम संयुगे निर्घोषम इव वज्रस्य पुनः संश्रोतुम इच्छसि। नूनम ही देनी से, एक तो तुम मुकर रहे हो, नूनम निश्चित ही रियली डेफिनेटली तुम क्या देखना चाहते हो, तुम मेरा ये जो कांचन पृष्ठ, जो गोल्डन बैक वाला, गोल्ड गोल्ड से सोने का के पृष्ठ वाला जो बाण है विकृष्ट, तुम मुझे वो बाण खींचे हुए देखना चाहते हो, तुम भूल गए हो, तुम निश्चित ही मैंने जो तुमको पहले मेरा पराक्रम दिखाया था वो दंदुभी का शव उठाकर और वो मेरे एक बाण से 7 वृक्षों को छेद कर मैंने जो तुम्हें पराक्रम दिखाया था,
वो कदाचित तुम दृष्टुमिच्छसि, वापस पुनः दृष्टुमिच्छसि, शायद तुम वापस देखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें दुखाऊंगा, मेरे बाण का जो टंकार है निर्घोष मैं तुम्हें सुनाऊंगा, तुम शायद वही सुनना चाहते हो, तो तुम देखना, तुम सुनना मेरे बाण का वो टंकार। तो अभी ही इज लिटरली बेसिकली थ्रेटनिंग सुग्रीव, ठीक है, कि मैं अच्छा हूं, मैं तुम्हारे काम भी आता हूँ, परंतु जो मैं वाली को भी, अगर वाली गलत है तो दंड दे सकता हूँ, तो तुम गलत हो गए और तुम्हें दंड नहीं मिलेगा, ये तुम मत सोचना। तुम ये भी मत सोचना कि मैं दीन होकर तुम्हारे आगे याचना परियाचना कर रहा हूं, नहीं, तुमने मुझे कहा था, तुमने मुझे वचन दिया था, वो पूर्ण करना तुम्हारा कर्तव्य है, और अगर ये कर्तव्य तुम नहीं करोगे तो मेरे में तुमको भी दंड देने की का सामर्थ्य है, ठीक है। तो ही इज वेरी क्लियरली स्पेलिंग इट आउट एंड ही सेइंग, तुम ये बात जाके कहना सुग्रीव से, वो और लक्ष्मण को कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि उच्यताम, श्लोक नंबर 80, उच्यताम गच्छ सुग्रीव त्वया वीर महाबल मम रोषस्य यद रूपम ब्रूयात् च इन एनम इदम वचः। और वो कहते हैं कि लक्ष्मण तुम जाओ और मेरे मम रोषस्य यद रूपम, मेरे रोष का भी जो ये रूप है ना, अभी तक तो उन्होंने मेरा पराक्रम देखा है, उन्होंने मेरा प्रेम देखा है, पर मेरे रोष का जो ये रूप है ना, ये भी तुम जाकर उनको बताना, तुम सुग्रीव को जाके ये भी बताना। और क्या कहना, ही से न स संकुचित पंथा येन वाली हतो गतः समये तिष्ठ सुग्रीव मा वाली पंथा पंथम अनवगाह। तो ये बहुत सुंदर है, ही से न संकुचित पंथा येन, संकुचित पंथा येन वाली गत होता, जिस पथ से, पंथ इज मार्ग से, जिस मार्ग से पाली वाली हतो गत मरा है, जिस मार्ग से वाली मरा है, न संकुचित, वो अभी बंद नहीं हुआ है, तुमको ये लग रहा है कि मैंने वाली को मार दिया और काम खत्म, तो ऐसा हुआ नहीं है। न संकुचित सपंथा येन वाली गता, जिससे वाली मरा है वो पाथ, वो रास्ता बंद नहीं हुआ है। समय तिष्ठ, सुधर जाओ, समय है सुधर जाओ, समय तिष्ठ, तिष्ठ खड़े हो जाओ, तिष्ठ इज टू स्टैंड या उत्तिष्ठ स्टैंड अप, समय तिष्ठ तो समय है, खड़े हो जाओ सुग्रीव माँ वाली पंथम अनवगा, माली के पंथ पर जाने का विचार मत करो, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें वाली के पंथ पर अवश्य भेजूंगा। ये राम का दूसरा रूप। कई बार हमें लगता है कि अरे राम जी को तो गुस्सा भी नहीं आता, ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, नहीं, राम जी को जब गुस्सा आना चाहिए तब बहुत ढंग से गुस्सा आता है, जिसके साथ जैसा बर्ताव करना चाहिए वो बर्ताव वो करते हैं, जिसको वो जो है ना कि सर्प जो है उसको भी अपना फिन तो मारना पड़ता है, आप ना दिखाओ, आप वो अपना गुस्सा, अपना सामर्थ्य ना दिखाओ तो सामने वाले आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड, जो हम कहते हैं कि डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, बट दैट इज वेरी नेचुरल, इफ समबडी थिंग्स यू आर वीक यू विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ग्लोबली आप कोई पॉलिटिक्स देख लो, कुछ भी देख लो, ठीक है, ये होता है। आप अभी का सिचुएशन देखो ना, अमेरिका दुनिया भर को बुली करते बोलता है, दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स पे भाषण देता है, दुनिया भर को मोरालिटी का पाठ पढ़ाता है, आज जब उसपे आया है व्हेन इट हैज टू शो इट्स एक्शन, ठीक है, तो उसने क्या कहा, मैं रॉ मटेरियल नहीं दूंगा, भारत को रॉ मटेरियल चाहिए वो मैं नहीं दूंगा, और कारण वो क्या कह रहे हैं कि इट इज इन एवरीबॉडीज इंटरेस्ट दैट अमेरिकन्स गेट वैक्सीनेटेड, ठीक है, पर कोई भी उसने कुछ कर पा रहा है, नोबडी इज एबल टू डू एनीथिंग, जब टाइम आएगा तब शायद हम करें, बट एट दिस पॉइंट बिकॉज इट हैज पावर इट टेक्स एवरीबॉडी एल्स फॉर ग्रांटेड, है ना। ऑफ कोर्स इट वोंट लास्ट लॉन्ग, सिविलाइजेशंस कम एंड गो, सबका अपना समय आता है, बट द पॉइंट इज दिस कि आप में अगर सामर्थ्य है तो यू कैन बुली पीपल, ठीक है, बट अगर आप में सामर्थ्य है तो यू विल ट्राई टू बुली पीपल जो आपसे वीक है, पर वो जो वीक समझे जाते हैं उनको अपना सामर्थ्य दिखाना पड़ेगा, तभी सामने वाला सुधरेगा। तो यहाँ वो कहते हैं कि समय तिष्ठ, तुम टाइम पे सुधर जाओ, नहीं तो जिस मार्ग से वाली को भेजा है उस मार्ग से मैं तुम्हें भेज दूंगा। तो ये जब राम जी कहते हैं तो लक्ष्मण को भी बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, लक्ष्मण कहता है कि अरे ठीक है, मैं तो अभी उसको सुग्रीव तो वानर है, उसकी बुद्धि वानर जैसी है, हमें प्रॉमिस करके, हमें वचन देकर वो अभी मुकर रहा है, तो मैं तो अभी जा रहा हूँ, आप चिंता मत करो राम, मैं अभी अभी जाके अपने बाण से उसको और उसकी सारी वानर सेना को मार दूंगा।
ठीक है, तो मैं वैसे जाने वाला हूँ अभी के अभी। बहुत क्रोध में लक्ष्मण भर जाता है एंड ही इज आउट देयर, वो निकलने वाले होते हैं अपना बाण वाण लेके मारने। तो राम कहते हैं, अरे रुको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम जाके उसको मार दो, दैट इज नॉट द पॉइंट, क्योंकि हमको उनकी सहायता भी चाहिए। ठीक है, ही इज नॉट स्टेटिंग द सहायता पार्ट क्लियरली, बट ही सेइंग नहीं, वो हमारे मित्र हैं। कई बार पीपल गो ऑफ ट्रैक, कई बार वॉर्न करके छोड़ देना चाहिए, तो तुम ऐसे मत करो। सो इन द नेक्स्ट सर्ग 31 सर्ग श्लोक नंबर 7, तो जब लक्ष्मण एकदम बहुत ही ज्यादा गुस्से में है एंड ही इज लाइक, मैं तो मार ही दूंगा अभी के अभी वाली को और सुग्रीव को और उसकी सेना को, तो राम से न इदम अत्र त्वया ग्राह्यम साधु वृत्तेन लक्ष्मण ताम प्रीतिम अनुवर्तस्व पूर्ववृत च संगतम। तो बेसिकली इसे कि अरे मैं उसे मारने को नहीं कह रहा हूँ, न न इदम अत्र त्वया ग्राह्यम साधु वृत्तेन लक्ष्मण, तुम अपना जो अच्छाई है वो त्याग मत दो, जाके उसे मार मत दो, केवल शब्दों से उसको कहो, गो एंड मेक हिम अंडरस्टैंड, आई थिंक अभी के लिए उतना काफी है। तो वी हैव टू ऑलवेज गिव अ वार्निंग, राइट? तो लेट हिम ऑल्सो नो दैट वी आर केपेबल, अगर वो हमें दीन समझ रहा है तो वो उसे समझना नहीं चाहिए, उसे ये पता होना चाहिए कि हम लोग केपेबल है, तो तुम उसे इतना जाके कहो। तो ठीक है, तो देन लक्ष्मण एकदम क्रोध में भरकर जाते हैं और वो किष्किंधा नगरी के पास पहुंचते हैं। जब वो किष्किंधा के पास पहुंचते हैं तो वहां पे सबसे पहले अंगद उनको देखते हैं। तो अंगद को जब देखते हैं लक्ष्मण, तो अंगद से कहते हैं कि अंगद आए, अंगद जैसे, अरे क्या हो गया, ये इतने गुस्से में क्यों है? तो लक्ष्मण कहते हैं कि तुम जाओ और वाली से कहो कि सुग्रीव से कहो कि लक्ष्मण आए हैं बहुत गुस्से में, राम के अनुज लक्ष्मण आए हैं बहुत गुस्से में और उनसे भेंट करना चाहते हैं। और तो अंगद बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं कि अरे भाई क्या हुआ, एंड वो जाते हैं अपने इनके पास, सुग्रीव के पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे ऐसे। सुग्रीव के पास जब जाते हैं अंगद, तो वहां पर भी रूमा तारा सभी लोग वहां पर हैं। बेसिकली सुग्रीव तो अपनी मदमस्ती में ही है, इज कम्प्लीटली इंटॉक्सिकेटेड, क्या चल रहा है क्या नहीं वो भी कुछ समझ नहीं है। जो डिस्क्रिप्शन उसका दिया हुआ है कि लाल लाल आंखें हो गई है, रूपी आईज है, घड़ी घड़ी सो रहे हैं, गिर रहे हैं, ऐसा डिस्क्रिप्शन है, इतना ज्यादा दारू पी लिया। ठीक है, तो सो बेसिकली वो जो मैसेज भिजवाते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण जो मैसेज अंगद को भिजवाते हैं, दैट इज 31 सर्ग पेज नंबर 843 श्लोक नंबर 32, 32, 33। सो एष राम सो अंगद रोष ताम्राक्ष संदिश मायश, ताम्राक्ष मतलब कॉपर आई, लाल आंखों भरे, कौन की किसकी कॉपर आई, गुस्से के कारण लक्ष्मण की कॉपर आई। सो अंगद अंगद को कहते हैं, ये संदेश देते हैं, सुग्रीव कथ्य ताम वत्सः मम आगतम इति उत कि मैं आ गया हूं, ये आप जाकर उसे कहो, एष रामानुजः प्राप्तः तत्व सकाशम अरिंदम भ्रातुः व्यसन संतप्तो द्वारी तिष्ठति लक्ष्मण। भ्रातुः मेरे भाई के व्यसन, दुख से गुस्से में आकर संतप्त, भ्रातु व्यसन संतप्त द्वारी तिष्ठति लक्ष्मण, तुम्हारे द्वार पर लक्ष्मण खड़ा है, तो तुम उठो और मिलो उससे, जल्दी से जाग जाओ। ठीक है, तो तुम उठो। तो बेसिकली वो कहते हैं कि तुम ये जाकर तुम्हारे द्वार पर आ, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। तस्य वाक्यम यदि रुचि क्रियताम साधु वानर रह, तो बेसिकली वो कहते हैं कि तुम उसे जाके कहो कि मैं आया हूँ, और उसे कहो जो तुम्हें ठीक लगे वो करे, और उसे कहो कि मैं बहुत गुस्से में। तो अंगद जाता है उनसे मिलता है। जब मिलता है तो भी सुग्रीव को कहते हैं कि अरे लक्ष्मण आए, और लक्ष्मण बहुत ज्यादा गुस्से में। तो जब लक्ष्मण बहुत ज्यादा गुस्से में है, ये सुग्रीव सुनता है, तो उसे भी थोड़ा सा डर लगता है, पर उसे समझ नहीं आता है कि लक्ष्मण गुस्से में है क्यों। ठीक है, नहीं, तो अभी तक तो अभी भी वो मदमस्त ही है, पर ये लक्ष्मण फिर भी गुस्से गुस्से में आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं। अंगद तो भाग भाग के गया, बट फिर भी लक्ष्मण पीछे से आ रहे हैं। तो लक्ष्मण को आते देखकर ना सारे वानर भी बहुत कलरव करने लगे, बहुत किंकारी करने लगे कि अरे क्या हो गया, सब भागम भागी करने लगे कि लक्ष्मण आए हैं बहुत रोष में है। तो हाहाकार मच गया हर जगह, तो हाहाकार मच गया। उसके बाद जाकर थोड़ा सा सुग्रीव की नींद खुली, थोड़ा सा वो होश में आए एंड ही इज लाइक, ये सब क्या चल रहा है। ठीक है,
तो उसके साथ जो और मंत्री थे उन्होंने कहा कि अरे ऐसे लक्ष्मण आया है, लक्ष्मण बहुत गुस्से में है, और वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो उनकी आंखें बहुत लाल हो चुकी है, कुछ तो कारण है जिसके कारण वो गुस्से में है, तो आप जाइए और उनसे तुरंत मिलिए, ठीक है? वो आपसे मिलने आया तो आप जाकर उनसे तुरंत मिलिए और पता करिए कि क्या इशू है, सब बात ढंग से करिए। तो ऐसे अंगद उनसे कहता है, और उनके जो दो मंत्री है, प्रभव प्रलव उनका कुछ नाम है, क्या नाम है उनका, प्लक्षा और प्रभव, प्लक्षा और प्रभाव, ये जो मंत्री है वो उनसे कहते हैं कि आप चलो और मिल लो सुप्रिय लक्ष्मण से और उसका गुस्सा शांत करो। तो सुग्रीव कहता है ठीक है मैं मिलता तो हूँ, बट सुग्रीव स्टिल वो उसको थॉट प्रोसेस उसका अभी भी क्लियर नहीं है, अभी भी वो ऐसे आधा नींद में आधा मदमस्त इस मोड में है, एंड उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि लक्ष्मण गुस्सा क्यों है। ठीक है, ही इज कंफ्यूज्ड, ही इज क्यों गुस्सा है लक्ष्मण। सो 30 सेकेंड्स अर्गा वील सी सम ऑफ द थिंग्स विच सुग्रीव सेज। ठीक है, तो 846 पेज, थर्ड श्लोक, नमे दुर्व्याहरतम किंचित नापि मे दुर अनुष्ठितम लक्ष्मणो राघवो भ्राता क्रुद्धम किमितं चिन्तये अश्रुहद्भिः मम अमित्रैः नित्यं अनन्तरं दर्शिभिः मम दोषान् असंभूतान् श्रावितो राघवानुजः। तो कहते हैं अरे किमिति राघव भ्राता क्रुद्धम किमिति, राघव भ्राता क्यों गुस्से में है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो सोच रहा है, वो पूछ रहा है कि नमे दुर्व्यवहार, तो मैंने कभी ना उनका कुछ अपमान किया है, ना उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया है, तो क्यों मुझ पे इतना गुस्सा है। फिर उसे लगता है कदाचित मेरे जो असुहद भी, जो मेरे शत्रु है, मेरे अमित्र, जो मेरे शत्रु, जो मेरे मित्र नहीं है, जो मेरा बुरा चाहते हैं हमेशा, उन्होंने शायद जाकर ये राघव के कान भरे हैं। मम दोषान असंभूतान श्रावितो, श्रवण करना मतलब सुनना, श्रावितो मतलब सुनाया, तो मेरे दोष, मेरे बारे में कुछ बुरा भला शायद उनको जाके सुनाया है, इसलिए उन पर उनको शायद मुझ पे गुस्सा आया है, नहीं तो कोई कारण नहीं है उनको मुझ पे गुस्सा आना, क्यों मुझ पे गुस्सा हुए होंगे वो। तो वो सोच रहे हैं कि मैंने तो हमेशा उनके साथ अच्छा बिहेव किया है, मेरे लिए उन्होंने इतना किया है, मैं भी वो समझ रहा हूँ, तो क्यों कदाचित मेरे मुझ पर वो गुस्सा है, वगैरह वगैरह। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि कदाचित उनको आप पर इसलिए गुस्सा है क्योंकि आपने जो वचन दिया था उनको ऐसे लग रहा है कि आपने वो वचन पूर्ण नहीं किया है, क्योंकि भले ही हनुमान जी ने जब शुरुआत में सुग्रीव को बताया था कि आपको अब काम पर लगना चाहिए, और सुग्रीव ने नील को भेजा भी था वानरों को, सारे वानरों को बुला लाने के लिए, परंतु राम और लक्ष्मण तो ये बात नहीं जानते ना, क्योंकि सुग्रीव ने फिर उनको बताने की चेष्टा की ही नहीं, सुग्रीव तो अपने मदमस्ती में फिर चला गया। तो हनुमान कहते हैं कदाचित वो नहीं जानते कि आपने आ, आ, कि कदाचित तो बेसिकली सुग्रीव हनुमान से कि आपको जो करना चाहिए था वो उनके हिसाब से अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए वो गुस्सा है। वैसे भी जो मनुष्य जिस पर उपकार हुआ हो वो अपकारी बन जाए, जिसने उपकार किया है उसके सामने जो कार्य है वो पूरा ना करे, तो वो तो बहुत ही क्रूर बात है, और इस बात से कदाचित उनको गुस्सा आया है ऐसा मुझे लगता है, इसलिए आप उनके अनुसार काम करिए, जो वो चाह रहे हैं वैसा आप काम करिए। और वो उनको समझाते हैं कि श्लोक नंबर 846 सेम सर्ग 20th श्लोक, बहुत ही बहुत सुंदर श्लोक है ये। न स क्षमः कोपयितुम् यः प्रसाद्य पुनर्भवेत् पूर्व उपकारं स्मरताम् कृतज्ञेन विशेषतः। वो कहते हैं कि आप जाइए मनाइए लक्ष्मण को, और उसका वो कारण देते हैं, वो क्या है, न स क्षमः कोपयितुम् यः प्रसाद्य पुनर्भवेत्। ऐसे व्यक्ति जिसको आप जानते हो कि बहुत ही बलशाली है, बहुत सामर्थ्यशाली है, और आप अगर ऐसा कुछ करो जिससे उनको गुस्सा आए तो आपको फिर उनको जाके मनाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई व्यक्ति कि मतलब आप उनके बिना आपका कुछ चलने वाला है नहीं, ही इज ईदर मोर सामर्थ्यशाली, ही हैज मोर पावर, या फॉर वट एवर रीजन, ठीक है, जो भी कारण हो, पावर सेंटर जब ऐसा हो, जब दूसरे वाला हैज मोर पावर, कि उसको गुस्सा करके आप शांति से बैठ सको, ये होने ही वाला नहीं है, आपके भले के लिए आपको फिर उनको मनाना ही पड़ेगा। तो ऐसा जो व्यक्ति हो उसको आप कोप में लाओ, यही ठीक नहीं है, कोप मतलब गुस्सा, उसको आप क्रोधित करो, यही ठीक नहीं है।
स्पेशली ऐसा जिसने आपका अच्छा किया हो, तो उनका पूर्व उपकार को याद रखते हुए आप जाइए और जो करना चाहिए वो करिए, ध्यान से उनको मना कर लाइए। और वो ये भी कहते हैं कि अगर वो आपसे कुछ उल्टा भला कह दे ना, तो वो भी आप सुन लो, उससे भी आप नाराज मत हो, क्योंकि एक तो उन्होंने आपका भला किया हुआ है और आपने उनको कहा था कि आप करोगे जो अब तक नहीं हुआ, इसलिए अगर, और वो शक्तिशाली भी है, सामर्थ्यशाली भी है, आप पर उपकार किया, तो आप उनकी बात मान लेना, जो भी कह रहे हैं मान लेना और उनको शांत कर दो। तो सुग्रीव को धीरे धीरे ये बात समझ तो आती है कि ये करना है, परंतु जब तक वो कुछ करे तब तक लक्ष्मण ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं। ठीक है, लक्ष्मण डिंट वेट फॉर एनी परमिशन, लक्ष्मण उनके पैलेस में घुस गए। ठीक है, और कोई वानर भी उन्हें रोक नहीं पाए क्योंकि वो इतने गुस्से में थे। ठीक है, वो इतने गुस्से में थे और वो एकदम बुरा भला कहने लगे, वो जो राम ने कहा था वैसी सारी बातें उन्होंने कही आ, आ, सुग्रीव से। दिस इज नाउ श्लोक नंबर 1, एक सेकेंड ना। एक्चुअली इस पार्ट में रामायण के ना बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं विच आर क्लियर एक्सट्रापोलेशन, कि वो शायद बाद में डाले गए हो, तो बहुत ज्यादा मिक्सिंग मिक्सिंग है, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू एलिमिनेट दो सर्ग एज आई गो। या सो हम सीधा चलेंगे श्लोक नंबर 34 पे। श्लोक जिसपे लक्ष्मण किष्किंधा में उनके पैलेस के अंदर घुस गए हैं और वो बहुत ही चेतावनी दे रहे हैं सुग्रीव को, और कह रहे हैं कि तुम अकृतघ्न हो, जो अकृतघ्न होते हैं उसको तो जो जमीन के कीड़े होते हैं ना वो भी नहीं खाते। ऐसे लोग जो कही हुई बात, और स्पेशली ऐसे कृतघ्न जो अपने पे उपकार किए, मनुष्य का उपकार भुला दे और सामने कहीं दिया हुआ वचन ना पाले, वो तो इतने लोग निम्न कोटि के मनुष्य, कोटि के मनुष्य होते हैं कि उनको तो जो जमीन में कीड़े होते हैं ना वो भी नहीं खाते उनकी मृत्यु के पश्चात। तो ऐसे सब वो बहुत कहता है, और फिर एग्जैक्टली जो शब्द राम जी ने कहे थे ही सेज दिस। सो दिस इज 34 सर्गा, पेज नंबर 853, श्लोक 18, सेम टू सेम ही जस्ट रिपीट्स इट। न स संकुचितः पंथा येन वाली हतो गतः समये तिष्ठ सुग्रीव मा वाली पथम अनवगा। तो सेम चीज जो उन्होंने, राम ने कही थी, ही रिपीट्स इट बहुत कुछ उसके पहले का, और कहा कि अच्छा अब तुम समझ जाओ जो करना चाहिए वो तुम करो। अच्छा, अब इसके बाद ओके मे बी आई स्टॉप हियर, बट इसके बाद तारा इंटरव्यूज। सो तारा को जो बृहस्पति की पुत्री कहा गया है, कि इतनी बुद्धिशाली, इतनी सूक्ष्म समझ वाली वो स्त्री है, वो इतना सुंदर इंटरवेंशन उसका यहाँ पे है कि पूछो मत। ठीक है, सो इधर आई कैन कवर इट नाउ बिकॉज उसमें से मुझे बहुत सारे श्लोक पढ़ने हैं और आई कैन टेक इट नेक्स्ट टाइम। सो यू सजेस्ट क्या करें, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 8:30। क्या करें, शुड बी कंटिन्यू और शुड बी स्टार्ट नेक्स्ट टाइम? आई थिंक वी स्टार्ट नेक्स्ट टाइम, क्योंकि वो काफी टाइम लग जाएगा उसमें, उसके मुझे बहुत सारे श्लोक लेने हैं। द वे शी एक्सप्लेन्स कि क्यों लक्ष्मण का वर्ताव अनुचित है और क्यों वो जो जैसे बिहेव कर रहा है वो सही नहीं है, और क्यों सुग्रीव की सहायता की उनकी आवश्यकता है। सो एकदम वो जो एक्सपर्ट इन डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं ना, एकदम वेल स्पोकन एक्सपर्ट इन डिप्लोमेसी, तारा स्पेशली इन दिस पार्ट कम्स अक्रॉस एज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट वुमेन इन महाभारत, इन रामायण टिल नाउ। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी देखा, फिर आप सीता ले लो, कैकेयी ले लो, कौशल्या ले लो, मे बी मंदोदरी या येट टू सी, पर उन सब में अब तक तो सबसे विचिक्षण विचक्षण जैसे कहते हैं ना, कि विचक्षण बुद्धि वाली वैसी तारा है। सो आई थिंक वी विल सी इट नेक्स्ट टाइम, बट पिछले सेशन में और अब तक हमने जो देखा ऑलमोस्ट, तो मोर ऑफ अ नरेशन ऑफ क्या होता है। एनी थॉट्स, एनीथिंग एनीबडी वॉन्ट्स टू शेयर? ओके, नो वरीज। सो वी विल क्लोज टुडे एंड जो नेक्स्ट पार्ट है जो तारा वाला, वी विल स्टार्ट देयर। एंड पिछले अगले सेशन में वील डू वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जिसमें क्योंकि फिर सुग्रीव सब जगह अपने वानरों को भेज रहे हैं, तो वो पार्ट जो है वो भी बहुत ही अमेजिंग है, कि कहाँ कहाँ जो ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड जो उसने बताया है। एंड आई थिंक पिछले इन द नेक्स्ट 1-1.5 सेशन वील बी एबल टू क्लोज किष्किंधा का।
सो के तो चलिए एंड विद द प्रार्थना।